कुरुक्षेत्र एनआईटी बीटेक सेकेंड ईयर की श्रेया नामक छात्रा ने कल्पना चावला हॉस्पिटल की पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि रीअपीयर आने की वजह से छात्रा काफ़ी परेशान थी। 22 वर्षीय श्रेया फिरोजाबाद की रहने वाली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनआईटी के हॉस्टल कल्पना चावला में एक लड़की ने छत से खुद के सुसाइड किया है, तो उस संबंध में अभी जांच चल रही है। परिवारजन आने वाले हैं और लड़की यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली है। इससे ज़्यादा अभी बाकी परिवारजन आकर के सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये? बीटेक कोर्स में थी और सेकंड ईयर में थी। पोस्टमार्टम करवाएंगे? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी, एक बार परिवारजन आ जाए उनसे बातचीत करके सारी कार्रवाई। कुरुक्षेत्र एनआईटी बीटेक सेकेंड ईयर की श्रेया नामक छात्रा ने कल्पना चावला हॉस्पिटल की पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि रीअपीयर आने की वजह से छात्रा काफ़ी परेशान थी। 22 वर्षीय श्रेया फिरोजाबाद की रहने वाली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनआईटी के हॉस्टल कल्पना चावला में एक लड़की ने छत से खुद के सुसाइड किया है, तो उस संबंध में अभी जांच चल रही है। परिवारजन आने वाले हैं और लड़की यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली है। इससे ज़्यादा अभी बाकी परिवारजन आकर के सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये? बीटेक कोर्स में थी और सेकंड ईयर में थी। पोस्टमार्टम करवाएंगे? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी, एक बार परिवारजन आ जाए उनसे बातचीत करके सारी कार्रवाई।